स्टूडेंट्स आई वेलकम यू अगेन. टुडे वी डिस्कस चैप्टर नंबर 4 एंड द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज क्वाड्रिलेटर. फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस सम डेफिनेशंस दैट वी यूज इन दिस चैप्टर. लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट वन इज क्वाड्रिलेटर. क्वाड्रिलेटर क्या होता है बच्चा? अ फोर साइडेड पॉलीगन इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटर. वो पॉलीगन जिसमें फोर साइड होंगी उसे हम क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटर. नाउ देर आर टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर. फर्स्ट वन इज कनकेव क्वाड्रिलेटर एंड सेकेंड वन इज कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर. कनकेव क्वाड्रिलेटर, अ क्वाड्रिलेटर इन विच वन एंगल इज मोर देन 180 डिग्री, एटलीस्ट वन एंगल. बच्चा कनकेव क्वाड्रिलेटर वो होगा जिसमें कम से कम एटलीस्ट वन एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा होगा. और कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर वो क्वाड्रिलेटर होगा बच्चा जिसमें सभी एंगल 180 डिग्री से कम होंगे. आफ्टर दैट एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटर. द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर इज 360. एक क्वाड्रिलेटर के सभी एंगल का सम कितना होता है? 360. सो लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज. क्वेश्चन नंबर वन इज फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट वन इज अ क्वाड्रिलेटर हैज़ फोर साइडेड. एक क्वाड्रिलेटर में कितनी साइडेड होती हैं? फोर. अ क्वाड्रिलेटर हैज़ डैश एंगल, फोर एंगल्स. नेक्स्ट वन, अ क्वाड्रिलेटर हैज़ डैश वर्टेक्स, फोर वर्टेक्स एंड नो ऑफ विच आर कोलिनियर. कोलिनियर का मतलब होता है कोई भी एक लाइन के ऊपर नहीं है. ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट. अ क्वाड्रिलेटर हैज़ डैश डायगनल, अ क्वाड्रिलेटर हैज़ टू डायगनल. द नेक्स्ट वन इज द डायगनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटर इज अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू नॉन एडजेसेंट कहें या अपोजिट वर्टिसेस ऑफ क्वाड्रिलेटर कहें. द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर इज 360 डिग्री. नाउ क्वेश्चन नंबर टू. इन क्वेश्चन नंबर टू देर इज़ अ फिगर इज गिवन टू यू. ये फिगर दे रखी है बच्चे आपको. क्या कहा गया है? नेम अ पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड. आपको एडजेसेंट साइड का नेम देना है. एडजेसेंट साइड वो साइड होती हैं बच्चा जो साथ साथ होती हैं, जिनमें एक वर्टेक्स कॉमन होता है. तो एडजेसेंट पेयर में आप ए बी और बी सी लिख सकते हैं. सेकेंड पार्ट है हाउ मैनी पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर देयर. कितने पेयर हैं एडजेसेंट साइड के? सो यू राइट फोर पेयर होते हैं. सेकेंड क्वेश्चन भी आप बुक में ही कर सकते हैं. राइट अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड. अपोजिट साइड में ए बी अपोजिट है सी डी के. सो यू कैन राइट ए बी अपोजिट टू सी डी. कितने पेयर होंगे? देट आर टू पेयर. सेम इन द थर्ड वे, नेम अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल. एंगल ए एंगल बी आर एडजेसेंट एंगल्स. हाउ मैनी पेयर्स आर देयर? फोर पेयर होंगे एडजेसेंट एंगल के भी. नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट, नेम अ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल. अपोजिट में जो एक दूसरे के आमने सामने होंगे बेटा, तो एंगल ए एंड एंगल सी आर अपोजिट. और पूछा गया इसमें हाउ मैनी पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स आर देयर. सो यहाँ पे टू पेयर होंगे अपोजिट एंगल्स के. आफ्टर दैट लास्ट पार्ट में पूछा गया है हाउ मैनी डायगनल्स डज इट हैव. तो डायगनल्स होते हैं बच्चा टू. फर्स्ट वन इज ए सी एंड सेकेंड वन इज बी डी. नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री इज थ्री एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर आर 110, 95, 65. फाइंड द मेजरिंग ऑफ फोर्थ एंगल. आपको फोर्थ एंगल निकालना है. तो हमने सपोज किया लेट फोर्थ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटर इज एक्स. सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर इज 360. तो बच्चा सभी को प्लस किया. 110 प्लस 95 प्लस 65 प्लस एक्स इक्वल टू 360. सो एक्स इज इक्वल टू 360 माइनस सभी का सम 270. तो आपकी एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई बच्चा? 90 डिग्री. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर. इन क्वेश्चन नंबर फोर इट इज़ गिवन दैट द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर आर इन द रेशो 2:3:5:8. तो मैंने सपोज कर लिया लेट एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर आर 2x प्लस 3x प्लस 5x प्लस 8x. सो एंगल्स सपोज कर लिए 2x 3x 5x एंड 8x. एंड वी नो दैट सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर इज 360. सो सभी का सम हो जाएगा इक्वल टू 360. सो सम इज 18x इक्वल टू 360. तो x की वैल्यू आ गई बच्चा 20 डिग्री. सो एंगल्स आर 2 × 20, 3 × 20, देन 5 × 20 एंड लास्ट 8 × 20. सो एंगल्स आर 40, 60, 100 एंड 160. नाउ क्वेश्चन नंबर फाइव इज अ क्वाड्रिलेटर हैज़ 3 एक्यूट एंगल. 3 एक्यूट एंगल हैं बच्चा और सभी की मेजरमेंट 85 है. यू हैव टू फाइंड द फोर्थ एंगल. तो फोर्थ एंगल हमने सपोज कर लिया एक्स.
सभी का सम कितना होता है बच्चा 360 डिग्री। सो एक्स प्लस 85 प्लस 85 प्लस 85 इक्वल टू 360। सो वैल्यू ऑफ एक्स इज 360 माइनस 255 दैट इज 105। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स कह रहा है कि बच्चा थ्री एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर आर इक्वल। तीन एंगल इक्वल हैं, थ्री एंगल्स इक्वल हैं एंड फोर्थ एंगल इज 120। सो यू हैव टू फाइंड द मेजर ऑफ ईच इक्वल एंगल। सो जो एंगल इक्वल है बच्चा हमने उनको सपोज कर लिया एक्स, सम ऑफ ऑल एंगल इज 360। सो 120 प्लस 3 टाइम एक्स इज इक्वल टू 360। सो 3x इज इक्वल टू 360 माइनस 120 गिव्स यू 240। सो एक्स इज इक्वल टू 80 डिग्री। सो ईच इक्वल एंगल आ गया बच्चा 80 डिग्री। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेवन, टू एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर आर 110 एंड 150 डिग्री। दो एंगल हैं, दो फर्स्ट 110 है, सेकंड 150 है, अदर एंगल्स आर इक्वल, बाकी बचे हुए एंगल इक्वल हैं, तो आपको बचे हुए एंगल्स निकालने हैं। सपोज कर लिया कि इक्वल एंगल एक्स है, सो 110 प्लस 150 प्लस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 360। सो 2x इज इक्वल टू 360 माइनस 260, 2x इक्वल टू 100, x की वैल्यू आ गई 50 डिग्री। सो ईच इक्वल एंगल इक्वल टू 50 डिग्री। नाउ क्वेश्चन नंबर एट फिगर के ऊपर बेस है बच्चा। ये बोला है कि ये क्वाड्रिलेटर है ए बी सी डी, एंगल सी 100 है, एंगल डी 50 है, ए एंगल ए पी और जो बी पी है वो एंगल ए और एंगल बी को हाफ करती है, तो आपको एंगल ए पी बी निकालना है। सो बेटा सम ऑफ ऑल एंगल्स 360, ए प्लस बी प्लस 100 प्लस 50 इक्वल टू 360। ए प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी 360 माइनस 150, 210। अब बच्चा मैंने ए प्लस बी का हाफ निकाला है, क्यों? क्योंकि जो ये ट्राइंगल बनेगा ए पी बी, इसमें एंगल ए और एंगल बी का हाफ यूज़ होगा। सो हाफ ऑफ आ जाएगा एंगल ए प्लस एंगल बी का हाफ आ गया 105। अब ये ट्राइंगल है बच्चा, एंगल ट्राइंगल ए पी बी, एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए का हाफ प्लस एंगल बी का हाफ इक्वल टू 180। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180। यहाँ पे ए और बी के हाफ की वैल्यू पुट कर देंगे, सो ए पी बी 180 माइनस 105 दैट इज 75 डिग्री। नाउ क्वेश्चन नंबर नाइन में बोला गया है बच्चा, वन एंगल इज 108 एंड रिमेनिंग थ्री एंगल्स आर इक्वल। वन एंगल 108 का है, बाकी तीनों एंगल इक्वल हैं। यू हैव टू फाइंड द ईच इक्वल एंगल। सो हमने सपोज कर लिया कि ईच इक्वल एंगल एक्स है, सो एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस 108 इज इक्वल टू 360। सो एक्स की वैल्यू सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ से, क्या आ जाएगा बच्चा 84। नाउ लास्ट क्वेश्चन भी यही है बच्चा, आपको एंगल पी निकालना है, क्यू पी आर। सो दो एंगल 90 के हैं, टू एंगल्स आर 90, वन ए 65, सम ऑफ ऑल दिस एंगल इक्वल टू 360। सो एंगल पी इज इक्वल टू 360 माइनस 245 दैट इज 115 डिग्री। सो दिस इज एक्सरसाइज 4.1। इन नेक्स्ट एक्सरसाइज वी डिस्कस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। टिल देन थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ।